सज्जनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारणा किस प्रकार करना चाहिए तथा पारणा करने का सही समय क्या रहेगा और कौन सी वस्तु खा करके आपको पारणा करना चाहिए, पारणा करने के समय कौन सा संकल्प और कौन सा मंत्र आपको बोलना चाहिए और पारणा करने की सही विधि क्या रहेगी। तो पारणा करना बहुत आवश्यक होता है। एकादशी व्रत का तभी संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा जब आप पारणा सही विधि से करेंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत अपने आप में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आएगा उस साल 26 एकादशी आएगी। इस बार अधिक मास आ रहा है इसलिए इस बार 26 एकादशी आएगी। तो सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है उसे पूरे दिन निर्जला या निराहार व्रत करना चाहिए या एक समय फलाहार लेकर के, और संभव नहीं हो तो दो समय फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार इसमें जो है दूध से बनी वस्तुएं या फल को ही माना गया है। अन्य सभी फलाहार आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए तथा घर में चावल भी नहीं बनना चाहिए और अन्न का इस दिन पूर्णतः परित्याग कर दिया जाता है। एकादशी के दिन जल्दी उठ करके व्रत रखा जाता है और भगवान गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा शाम के समय भजन और कीर्तन किए जाते हैं, रात्रि जागरण किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारणा किया जाता है, क्योंकि पारणा करना शुभ समय में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पारणा के संदर्भ में एक छोटी सी कथा आती है, हम आपको संक्षिप्त में बता दें, उसके बाद बताएंगे कि पारणा किस समय और किस विधि से आपको करना चाहिए। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत प्रारंभ किया था। एकादशी व्रत उनका संपन्न हुआ और द्वादशी तिथि के दिन वह पारणा करने जा रहे थे। क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी और उनका पारणा का समय हो चुका था, उसी समय अचानक उनके घर अतिथि के रूप में दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हैं और उनको आदर सहित एक आसन पर बिठाते हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि से निवेदन करते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमारे घर में आज अतिथि के रूप में पधारे हैं, अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अभी हमने स्नान आदि नित्य कर्म नहीं किया है इसलिए अभी हम भोजन नहीं कर पाएंगे, पहले हम सरयू नदी पर जाकर स्नान आदि नित्य कर्म करेंगे, उसके बाद ही आपके भोजन को हम स्वीकार करेंगे। तो राजा अम्बरीश ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर के स्नान आदि नित्य कर्म कर लीजिए। अब दुर्वासा ऋषि तो सरयू नदी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी, क्योंकि व्रत का पारणा सही समय पर उनको करना अनिवार्य था इसलिए व्रत का उनको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो अपने गुरुवर से और अपने पुरोहितों से, आचार्यों से उन्होंने निवेदन किया कि हे गुरुवर, मुझे कृपा करके बताइए कि द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है और मुझे व्रत का पारणा करना है, लेकिन मेरे यहाँ अतिथि के रूप में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है। यदि मैं अतिथि को भोजन करवाए बिना स्वयं व्रत का पारणा कर लूंगा तो अतिथि का अनादर होगा, तो ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए जिससे व्रत का पारणा भी हो जाए और अतिथि का अनादर भी ना हो। तो उनके आचार्यों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सही समय पर सही विधि से पारणा करना चाहते हैं तो आप जल और तुलसी पत्र हाथ में लेकर के एकादशी व्रत का पारणा कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने अपने कुल गुरु की आज्ञा मान करके तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि राजा ने मुझे बिना भोजन करवाए स्वयं व्रत का पारणा कर लिया है। क्रोधित होकर के तुरंत वहां से आए और अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर फेंक दिया। उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न हो गई और वह राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है और राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान
नारायण का सुदर्शन चक्र वहां पर उपस्थित हो जाता है और तत्काल कृत्या नाग राक्षसी का धड़ मस्तक से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद उस राक्षसी का वध हो जाता है और वह सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगता है। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुंचते हैं। भोले बाबा से कहते हैं कि मुझे बचाइए, मुझे रक्षा कीजिए। तब भोले बाबा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र नारायण के अधीन है, वो ही आपको बचा सकते हैं। तब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी उनको बचाने से मना कर देते हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े नारायण की शरण में पहुंच जाते हैं और नारायण कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, भक्त जैसा मुझे आदेश करता है वैसा ही मैं पालन करता हूँ। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो आपको राजा अम्बरीश के पास ही जाना चाहिए, वो ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। महर्षि दुर्वासा दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास आते हैं और राजा अम्बरीश जो है तुरंत सुदर्शन चक्र से निवेदन करते हैं कि हे सुदर्शन जी आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र उसी समय शांत हो जाते हैं और नारायण के हाथ में जाकर के पुनः स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद राजा अम्बरीश दुर्वासा जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज आज आपको मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ है, आप मुझे क्षमा कीजिए। बारंबार क्षमा प्रार्थना करने पर दुर्वासा ऋषि उन्हें क्षमा कर देते हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि को एक उच्च आसन पर बिठा करके महर्षि राजा अम्बरीश उनका जो है अच्छी प्रकार से आतिथ्य करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाते हैं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि के यहां से जो है वहां से दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम को चले जाते हैं। इस प्रकार राजा अम्बरीश का जो है एकादशी व्रत संपन्न होता है। तो दुर्वासा ऋषि के कारण जो है राजा अम्बरीश का जो व्रत है वह खंडित हो रहा था, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही विधि से पारणा किया, इसलिए उनका एकादशी व्रत सफल हो गया। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार 30 अगस्त को सुबह 8:26 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, अतः आपको 8:26 के पहले पहले ही व्रत का पारणा करना होगा। 30 तारीख को यानी रविवार को सुबह आपको जल्दी उठना है और उसके बाद स्नान करके अपने नित्य का पूजन अर्चन करना है। उसके पश्चात आपको सूर्य भगवान को जल देना है तथा अपने देव स्थान में मंदिर में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके आपको बैठ जाना चाहिए और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। 3 विष्णु विष्णु का उच्चारण करे और उसके बाद कहे कि मैंने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी या वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी का व्रत किया है और इस एकादशी का संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हो तथा एकादशी के दौरान व्रत के दौरान मेरे द्वारा जाने अनजाने में हुई भूल को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार अपना नाम और गोत्र बोल करके संकल्प करे कि मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और इसके बाद आप जल और तुलसी पत्र खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं तथा पारणा के समय आपको ब्राह्मण को दक्षिणा दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, सीधा सामान आटा दाल चावल इत्यादि वस्तुएं आपको देना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को दे सकते हैं मंदिर में दे सकते हैं। यदि आपको ब्राह्मण या मंदिर नहीं मिले तो आप हमको भी नगद राशि के रूप में धन प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें पेटीएम द्वारा, गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा या फिर अकाउंट में सीधे सीधे राशि जमा करके नगद राशि दक्षिणा के रूप में प्रदान कर सकते हैं और पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप व्रत का पारणा करें। पारणा करने के लिए आप चावल बना करके चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर अन्य भोजन से दाल रोटी चावल सब्जी पूरी दाल बाटी हलवा खीर पूरी जिस वस्तु से चाहे उससे आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग पारणा के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही आपको पारणा करना चाहिए और पारणा करने के बाद
आप जो है चाहे तो अगला व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यदि अगला व्रत आपको प्रारंभ करना हो, जैसे प्रदोष का व्रत करना हो, या फिर आपको त्रयोदशी का व्रत करना हो, या अन्य कोई भी व्रत करना हो, तो आप जो है फल या फलाहार करके व्रत का पारणा करने के बाद उस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। आप चाहें तो जल और तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा करने का जो सही समय रहेगा वो 30 अगस्त यानी रविवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 8:26 तक का ही समय रहेगा। इसी दौरान आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। सही विधि से सही समय पर किया गया एकादशी व्रत का पारणा ही एकादशी का संपूर्ण फल प्रदान करवाता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।